हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि वो क्या होता है, क्या उसकी पहचान होती है, वो कितने प्रकार से बन सकते हैं, कितने सेंटेंसेस में वो बन सकते हैं। जैसे पॉजिटिव था यानी उसको अफर्मेटिव भी कह सकते हो, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब जितने प्रकार से बन सकते थे वो सारा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिया था। आज का जो है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है पहले हम लोग ये समझेंगे, उसके बाद जो चारों तरह से जो चारों प्रकार के सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो बात अगर करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसको आप कैसे समझोगे कि ये कोई भी स्टोरी अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपको उसको पहचानना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है या किस टेंस में, तो अभी तो हम लोग फिलहाल पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो इसकी पहचान कैसे करोगे? जैसे कोई स्टोरी लिखी हुई है, कोई लाइन लिखी हुई है, तो वो जो लाइन का अंत होता है, लास्ट होता है, उसमें क्या आना चाहिए? रहा था, हिंदी हिंदी में पहचान में बता रही हूँ, रहा था, रही थी, रहे थे। अगर इस तरीके से आपको लास्ट में मिल रहा है, यानी कि ये वर्ड मिले, साथ ही क्या, यानी कहने का मतलब है वो जो कार्य है उसका क्या होना पाया जाए? जारी होना पाया जाए, जारी होना। जैसे क्या है, अभी आप लोग क्या कर रहे हो? ग्रामर पढ़ रहे हो, यानी ग्रामर पढ़ रहे थे। अगर पढ़ रहे थे यानी वो काम जो था, एक तो रहा था प्लस उसकी क्या है, कंटिन्यूटी थी, यानी कि वो जारी था, जारी लगातार जारी रहना पाया जाए, तो वहां पर क्या होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? जारी रहना। तो वो पास्ट था यानी कि जारी रहना पाया गया था, यानी कि रहा था, रही थी प्लस क्या हो, कार्य का जारी होना पाया जाए, वो क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। वहीं बात करें अगर इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है, इंग्लिश में अगर आप बात करो तो क्या पहचान है, तो उस सेंटेंस में जैसे कि मैंने बताया था पास्ट की क्या पहचान है, पास्ट में क्या होगा? वाज एंड वर होगा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वाज एंड वर होगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, वाज या वर, वाज वर कहाँ होगा, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सिंगुलर के साथ वाज एंड प्लूरल के साथ वर लगेगा। अब वाज वर्ब के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। और इंडिफिनिट में मैंने क्या बताया था, इंडिफिनिट सेंटेंस में मैंने क्या बताया था, इंडिफिनिट टेंस में उसमें बताया था वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, ये मैंने बताया था। लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो तो वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस क्या होगा, आई एन जी फॉर्म होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा। जैसे क्या, अभी जो फ्रेशर होंगे जो कभी नहीं पढ़े होंगे ग्रामर, वो ये सोचेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने बताया था तीन फॉर्म, ठीक है। जैसे कहा आप ले लो कि रीड ले लो, रीड, मैंने कहा था ये एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन खाली डिफरेंट है, बाकी जो स्पेलिंग है वो सेम है। रीड इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा रेड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो रेड, क्लियर। रीड रेड रेड। वहीं अगर बात करें हम लोग राइट, राइट ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया, रोट हो गया, एंड थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रिटन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड ले लो या फिर राइट ले लो, जैसा आपका सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ड यूज कर लेंगे। तो वर्ब वही जो कि हमारी जो क्रिया होती है, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, गाना, खाना, पीना, इस तरीके से क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया प्लस, यानी कि अगर आप वर्ब यहाँ पे उठा लिए तो वर्ब के साथ यहाँ पे क्या लगा दोगे, आई एन जी, यानी रीडिंग, राइटिंग, लॉफिंग, वॉकिंग, इस तरीके से आप यहाँ पर यूज करेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस जो भी होंगे। तो अगर हम एग्जैक्टली यहाँ पे रूल की बात करें कि पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होगा, क्या क्या यहाँ यूज होगा, तो रूल जो होने वाला है वो क्या होगा, सब्जेक्ट, यानी पहला जो आपका यूज होगा सेंटेंस में वो होना चाहिए सब्जेक्ट, प्लस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब यही आपका वर्ज एंड वर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ज एंड वर्ब लगा सकते हैं, वर्ज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यही इतना आपको लगाना है। अगर ये आपको क्लियर पता है कि कब क्या वर्ड यूज होगा, कब क्या लगाना है, तब आपका वो सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीटली राइट कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, अब मैं इसको इरेज करूंगी ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए सेंटेंस के साथ, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाएगा ताकि क्लियर होता रहे, एक साथ नहीं कि एक साथ बता दिया तो आप कंफ्यूज हो, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीजें क्लियर रहे। तो जैसा मैंने, तो फिर से मैं यहाँ रूल लिख दे रही हूँ इंग्लिश वाला, रूल सब्जेक्ट, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, वाज एंड वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका सेंटेंस में होना चाहिए। जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, जैसे मैंने क्या कहा कि वह क्या है,
पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, यही एक सेंटेंस ले लो, वह पढ़ रहा था। अब वह क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, वह क्या है, सब्जेक्ट है। अब वो अगर यहाँ पे, अब ये सिंगुलर है, अरे सॉरी, ये यहाँ पे ही लगेगा या शी लगेगा, मतलब ये मेल है या फीमेल है, ये कैसे पता चले, क्योंकि यहाँ था लगा है, यही थी लगा होता तो शी लगा देते, था लगा है तो ही, ठीक है, तो ही हो गया। ही वॉज, वॉज मैंने लगा दिया, वॉज या वॉज एक एक ही लगेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा। अगर यहाँ पे यही क्या हो जाता है, दे हो जाता है, यानी कि वे पढ़ रहे थे, यहाँ पे वह की जगह वे हो जाता है, तो वे को क्या कहते हैं, दे हो जाएगा, दे। और यहाँ पे दे कैसे, ये प्लूरल है, वे मतलब कई लोग है तो प्लूरल हो गया, और दे के साथ क्या लग गया, वर लग जाएगा, और वहीं सिंगुलर के साथ वॉज लग जाएगा, तो ही वॉज। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीडिंग कह दो, अगर कोई न्यूज़पेपर, देखो रीडिंग और रीड एंड स्टडी में भी डिफरेंस होता है, रीड एंड स्टडी में भी मतलब होता है। तो रीडिंग उसे कहते हैं जो आप क्या करते हो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना हुआ, कॉमिक्स पढ़ना हुआ, मैगजीन पढ़ना हुआ, तो आप रीडिंग यूज करोगे। लेकिन कोई चीज जब आपको स्टोर करनी है, कोई अपने आपको याद करनी है, कोई चीज आप पढ़ रहे हो, जैसे बुक बुक है, तो उसके लिए आप स्टडी यूज करते हो, ठीक है, ये भी ध्यान। तो यहाँ पे क्या, वह पढ़ रहा था यानी अपने सिलेबस से रिलेटेड पढ़ रहा होगा, तो ही वॉज स्टडिंग, ही वॉज स्टडिंग, ये हो गया। और वहीं देवर सेम ही पे, ये हो जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा। तो बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस चीजों को क्या है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, थोड़ा सा चीजों को समझते हुए चलना है, बस ये हो गया, ठीक है। थोड़ा और समझते हैं इसको, और टफ लेके चलते हैं। जैसे मैं अब एक स्त्रीलिंग में भी बता दे रही हूँ, फीमेल में भी, वह खाना पका रही थी, यानी वह खाना पका या बना रही थी, रही थी। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ मैं बताऊंगी, क्योंकि कहोगे कि आईएनजी तक ही आपने बताया, ऑब्जेक्ट तो बताया नहीं, ये भी चलिए समझ लेते हैं। तो अब यहाँ बना रही थी, ये तो क्लियर है कि ये फीमेल है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, शी। और अब क्या हो जाएगा, वॉज लगाओगे कि वर लगाओगे, तो यहाँ पे शी के साथ ये सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा, तो शी वॉज वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यानी यहाँ पे क्रिया क्या है, वर्ब, यानी वो खाना क्या, खाना तो होगा नहीं, खाना तो यहाँ पे वर्ब है नहीं, बल्कि क्या है, बनाना, पकाना, पकाना जो है वर्ब है। यानी यहाँ पे क्या करोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या हो जाएगा, बनाना पकाना का कुक, कुक, ठीक है, कुक हो गया। अब हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पे आईएनजी ऐड कर दीजिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे, तो शी वॉज कुकिंग, क्या पका रही थी, खाना बना रही थी, यानी चाय बना, अगर चाय बनाने को होगा तो प्रिपेयरिंग द टी, ठीक है, मेकिंग द टी, शी वॉज कुकिंग, क्या बना रही थी, खाना बना रही थी, फूड, भोजन तैयार कर रही थी खाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं निगेटिव, निगेटिव आप समझ लेते हो, आप इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव कल समझ लेंगे, ताकि बहुत ज्यादा लोड ना पड़े आप लोगों को, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो रहेगा तो आप लोग आसानी से उसको देख भी लोगे और समझ भी लोगे। और साथ ही क्या करना है ना, दो चार सेंटेंस आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और या फिर लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर उसको बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके आपको स्पीकिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम चलेंगे इसका, ये तो अब मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या बताया था, अफर्मेटिव बताया था, अब मैं आपको बताऊंगी निगेटिव सेंटेंस में, इसको इरेज कर रही हूँ। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा सेंटेंस होता है निगेटिव, निगेटिव में जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें क्या होना चाहिए, नो या नॉट की फीलिंग आनी चाहिए, यानी नहीं। जैसे तुमने खाना खाया, नहीं खाया, तुम पढ़ रही थी, नहीं पढ़ रही थी, तुम पढ़ रही थी, तो उसने कहा नहीं पढ़ रही थी, तुम वहाँ जा रहे थे, नहीं, इस तरीके से। तो जहाँ पे ना आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेम वही वॉज एंड वर्ब प्लस वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वॉज एंड वर्ब के बीच में क्या लगा देना है, नॉट यूज कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। अब जैसे कि सेंटेंस के थ्रू इसको समझते हैं, जैसे मैंने कहा कि वह बाजार नहीं जा रही थी, वह बाजार नहीं जा रही थी, या फिर ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा प्लूरल में समझते हैं, हम पिकनिक नहीं जा रहे थे, हम पिकनिक नहीं जा रहे थे, ठीक है। अब हम का क्या होगा इंग्लिश,
हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी कहते हैं, वी। और वी मतलब अकेले तो हम है नहीं, आई होता तो अकेला हो गया, हम है यानी कई लोग मिल करके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी, और वी कई लोग है तो ये क्या है प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा वर लगेगा, तो वी वर वर फिर क्या हो जाएगा नॉट प्लस क्या हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है जाना, जाने को क्या कहते हैं गो कहते हैं इंग्लिश में, गो प्लस क्या है आई एन जी फॉर्म है, आई एन जी एड कर दीजिए इसमें, वी वर नॉट गोइंग कहाँ नहीं जाते पिकनिक, पिकनिक बस हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कल खत्म कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले ताकि क्लियर रहे चीजें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर करिएगा, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यहाँ चीजें समझ में आई, फिर से समझा दीजिए, या कुछ भी दिक्कत हो तो आप वहाँ पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।